से हम एम पैटर्न को प्रिंट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, ये हमने दो फॉर लूप का यूज किया, ये पहली, दूसरी, ये हमारी रो का काम करेगी और ये इनर वाली कॉलम का, दो लूप है। और यहाँ पे हमने कंडीशन प्रीवियस वीडियो की तरह, आप बस यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे इसमें आपको। और आप अगर ज़्यादा नेस्टेड लूप के बारे में समझना चाहते हैं तो आप हमारी आई पैटर्न को देख सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल में समझाई गई है कैसे फॉर लूप वर्क करता है नेस्टेड। देखिए हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी है जेड इक्वल इक्वल, मतलब पहली कॉलम पे मैं क्या कर दूँ, ये देखिए ये पहली कॉलम है, मिल गया हमें प्रिंट करके, फिर जेड इक्वल इक्वल सेवन, फिर ये वाली साथ में। क्या ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि देखिए आई की वैल्यू वन होगी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू सेवन टाइम चलेगी, मतलब देखिए पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, छठवीं रो, सातवीं रो, तो सातवीं रो। और हर दफ़ा कौन सी कॉलम पे प्रिंट चाहिए हमें, हर दफ़ा हमें पहली ही कॉलम पे चाहिए, हर दफ़ा हमें सातवीं ही कॉलम पे चाहिए, तो क्या होगा, ये देखिए ये पहली कॉलम पे हमें हर दफ़ा मिल रहा है सातवीं कॉलम। अब बचा ये देखिए ये वाला, इतना से लेके इतना तक के पॉट का कैसे हम देखेंगे। ठीक है, देखिए हमें दूसरी कंडीशन लगाई जे डी इक्वल इक्वल पी एक्स, मतलब हमने एक पी एक्स नाम की एक वैल्यू ली है, पी एक्स इक्वल टू वन असाइन की है। ठीक है, जब जे की वैल्यू वन हो और पी एक्स की वैल्यू वन हो तो ये हमें प्रिंट कर दो। तो जे की वैल्यू वन कब होगी, जो पहली कॉलम हो गया, और पी एक्स को हमने देखिए स्टार्ट कैसे किया है, पी एक्स की वन से स्टार्ट किया और पी एक्स को हर बार हम इंक्रीज करते जाएंगे। देखिए जब लूप ये खत्म होगा, इनर लूप इंक्रीज कर जाएगा, फिर खत्म होगा फिर इंक्रीज कर जाएगा। तो देखिए पी एक्स की वैल्यू अभी वन है और कॉलम भी वन है, फिर प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। फिर पी एक्स की वैल्यू टू होगी अपडेट होके, फिर कॉलम टू, फिर थ्री, फिर फोर, देखिए ये पूरा प्रिंट हो गया लाइन। और चौथी कंडीशन में क्या अप्लाई किया, जेड इक्वल इक्वल पी वाई, मतलब जेड की वैल्यू और पी वाई की वैल्यू सेम होना चाहिए। पी वाई की वैल्यू अभी क्या है, सेवन, देखिए अभी सेवन है, मतलब ये कॉलम नंबर सेवन और पी वाई की वैल्यू भी सेवन, तो सेम, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर घट जाएगा पी वाई की वैल्यू, देखिए यहाँ पे हमने डिक्रीज किया हुआ है, डिक्रीज किया हुआ है, तो अब सिक्स हो जाएगी, मतलब यहाँ पे पहले सेवन था, अब सिक्स, फिर अब फाइव, फिर अब फोर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, देखिए अब ये तो लूप अगर हमने कुछ कंडीशन अप्लाई नहीं तो चलता ही रहेगा, तो कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तो चलता रहेगा, तो आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया है, ये लाइन नंबर 23 में, लाइन नंबर 23 में क्या लगाया, इफ पी एक्स इक्वल इक्वल फाइव हो और पी वाई इक्वल इक्वल थ्री हो, मतलब देखिए चार रो तक तो हमें चाहिए और सॉरी पांच रो तक तो हमें चाहिए और पी वाई की वैल्यू हमें थ्री तक चाहिए। ठीक है, तो जब ये जब पी एक्स की वैल्यू फाइव और पी वाई की वैल्यू थ्री हो तो क्या कर दो, पी एक्स में नाइन माइनस नाइन असाइन कर दो और पी वाई में माइनस नाइन असाइन कर दो। ऐसे क्या होगा असाइन करने से, जब आप ये असाइन कर देंगे तो अब लूप जब तक खत्म होने को रहेगा, पूरा ये लूप खत्म होने को रहेगा, फॉर लूप ये ऊपर वाली लूप, तब तक क्या होगा ये अपडेट कर ही नहीं पाएगा, उतना अपडेट कर ही नहीं पाएगा वैल्यू कि आपको यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक स्टार्ट प्रिंट करके दे। इस वजह से इसमें इस लॉजिक की वजह से क्या कर पाएंगे आप, एम पैटर्न को आप प्रिंट कर पाएंगे इजिली। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को रीच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप वहाँ पे जाके अच्छे अच्छे और भी कंटेंट अच्छे अच्छे पा सकते हैं, आप वहाँ पे इजी कंसेप्ट आप समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।